नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आइए अब हम लोग पॉलिटी सीरीज से ब्रेक लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो प्रेसिंग कंसर्न है आज का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इंडिया वर्सेस चाइना, और जो वॉर किस तरीके से अभी चल रही है। जी हाँ, द वॉर इज हियर बिकॉज ये फोर्थ जनरेशन वॉर है, सिविल सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है। और अभी रिसेंटली हमारे एनएसए अजीत डोवाल जी ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कमेंट किया था, और किस तरीके से ये वॉर शेप ले रही है और आगे इसके क्या फ्यूचर इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, और एज एन इंडिविजुअल हम लोग क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इसमें, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस लेके आए हैं, और जब बात चली है तो दूर तक जाएगी भी। और इसी के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दिल खोल के शेयर करें ताकि सब तक ये बात पहुंच सके। तो आइए जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इंडिया चाइना वॉर की बात करें तो सिचुएशन अभी किस तरीके की है जरा ये समझ लीजिए कि जब से 2020 का गलवान क्लैश हुआ है, गलवान वैली में, गलवान घाटी में जो इंडिया चाइना आमने सामने हुए थे, उस गलवान क्लैश के बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशन बॉर्डर टेंशंस बढ़ती ही चली जा रही हैं। उसके बाद में उसमें इंप्रूवमेंट का कोई सुधार नहीं दिखा। और रिसेंटली अभी आपने सुना भी होगा कि कोर कमांडर लेवल की मीट हुई थी जिसमें कि बॉर्डर टॉक्स जितने भी हुए थे और उसको कोर कमांडर्स लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी, तो एंड में एंड गेम यही निकला कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती हुई सामने बाहर आ गई और कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो जो चाइनीज आर्मी है उसके लिए एक नया लॉ भी आया चाइनीज गवर्नमेंट का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। और सीक्रेट टेस्टिंग जो हुई है एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स की चाइना द्वारा, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एक छोटा सा आपको देना चाहूं कि जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मेजर बॉर्डर इश्यूज हैं, वो यहां पे हैं, इस रीजन में है। ये अक्साई चिन रीजन है जो कि इंडिया कहता है कि ये चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। बिकॉज चाइना ने इसे इलीगली, चाइना जो है वो मैकडोनल्ड लाइन को मानता है, इंडिया जो है वो जॉनसन लाइन को मानता है। ये जॉनसन लाइन है और दैट इज वाई यहाँ पे जब 1962 का वॉर हुआ था तो इन्होंने इलीगली इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो अभी ये उसी के कंट्रोल में है। तो हिस्ट्री थोड़ी सी आप ये समझ लीजिए। तो अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के मैप पे ये वाला रीजन, फिर उसके बाद में नेपाल आ जाता है, फिर अरुणाचल का रीजन आ जाता है सिक्किम के बाद में। तो इसमें अगर देखा जाए तो अक्साई चिन वाला रीजन यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भी काफी बॉर्डर एरियाज में टेंशन है, क्योंकि यहाँ पे भी ये लोग काफी कुछ क्लेम करते हैं और अभी ये लोग धीरे धीरे विलेज भी बसा रहे हैं, जैसा कि पेंटागन की रिपोर्ट में आया और भी बहुत सारी बातें निकल के आई थी। ठीक है, अब देखिए, इंडिया कहता है कि चाइना के साथ उसका बॉर्डर अराउंड 3400 किलोमीटर का है, जबकि चाइना कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ये 2000 किलोमीटर का है। इसके पीछे का कारण यह है, मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें इसका है कि चाइना इस लाइन को मानता है मैकडोनल्ड लाइन को, इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है, जिसकी वजह से भी ये डिफरेंस आता है। खैर, उसके अलावा अगर मैं आपको ये बात करूं तो यहां पे ये है सक्षगम वैली। ये सक्षगम वैली 1963 में चाइना को ससीड कर दी थी, ये सक्षगम वैली ये दे दी थी पाकिस्तान ने, उनके पास खैर कोई ऑप्शन भी नहीं था, बट वो कहते हैं कि हमने इसे एज अ गिफ्ट दिया टू चाइना, अवर एल एवर ग्रीन एलाय, तो उसको इन्होंने ये ससीड कर दिया था। तो ये भी अभी चाइना द्वारा ही ऑक्यूपाइड है, चाइना द्वारा ही एडमिनिस्टर्ड रीजन है, और ये बेसिकली आप ये मान के चलिए कि ये एंट्री पॉइंट्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्टिकल एडवांटेज रखने वाला रीजन था जो कि इंडिया के हाथ से चला गया, सीड कर दिया चाइना को पाकिस्तान ने, इसलिए इस पे क्लेम करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है इंडिया का।
अगर इवन पीओके को हम लोग संभव ऑक्यूपाई कर भी लेते हैं तो इन फ्यूचर। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सियाचिन ग्लेशियर है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कह सकते हैं, एंड इंडियन आर्मी यहाँ पे हमेशा तैनात रहती है। और आप इसका एडवांटेज देख सकते हैं, एक तरफ अक्साई चिन, एक तरफ सक्षगम वैली, दूसरी तरफ यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इस तरफ इंडिया। तो चारों तरफ हमारी निगाहें हैं सिर्फ और सिर्फ इस सियाचिन ग्लेशियर के चलते, और इस सियाचिन ग्लेशियर की वजह से इसके टेक्टिकल एडवांटेज कितना ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कितना ज्यादा है कि इवन इफ बहुत ज्यादा खर्चा होता है इंडियन आर्मी को वहां पे तैनात रखने में, एंड इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो हैं वो कितनी ज्यादा तकलीफ सह के भी साल भर वहां पे अपना 110% देते हैं, ये समझ लीजिए कि ये क्यों। आप यहां से देख सकते हैं इसका टैक्टिकल एडवांटेज कितना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें रीसेंट रिपोर्ट्स की, तो अभी आपने सुना होगा कि चाइना जो है वो सर्वेइंग का काम कर रहा है इन बॉर्डर एरिया, यानी कि एलओसी के पास वाले विलेजेस में। एलओसी के पास में जो विलेजेस हैं उसमें ये बहुत ही ज्यादा तेजी से सर्वेइंग का काम कर रहा है, और ये प्रॉब्लमेटिक इसीलिए है क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान इज ए बास्केट केस। पाकिस्तान के को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, बाहर से कोई फंडिंग नहीं आ रही है, और जितने भी वहां पे हम यूं कहें कि एड है, एड देने वाली कंट्रीज कौन सी हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एड देती हैं, यूएसए था जो इनको एड देता था, लेकिन धीरे 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 जो पाकिस्तान का असली चेहरा है कि इन्होंने डबल गेम खेला अफगानिस्तान के केस में, एंड जो अमेरिका था जो इनको एड प्रोवाइड करता था उन्हीं के पीठ में छुरा भोंका, और इससे ट्रंप जो गवर्नमेंट थी, ट्रंप रिजीम थी, बहुत ज्यादा नाराज थी। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कहा था कि पाकिस्तान को हम लोगों ने अभी तक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं और वो हमारे किसी काम में आया नहीं है। तो पाकिस्तान को ये पता है और उसकी हालत अभी खराब है। कई सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल 2022 से अगर देखा जाए इनके पास अभी एड नहीं पहुंची तो सैलरी देने तक के पैसे नहीं है इनके पास में, ये इतनी बुरी हालत में है अभी पाकिस्तान। और चाइना है, चाइना कभी भी एड नहीं देता, चाइना हमेशा डेट देता है, चाइना हमेशा कर्जा देता है, और अगर ये डेट देता है तो फिर वहां से पैसे वसूलता भी है। सीपेक जो था, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सीपेक को भी अभी बंद कर दिया गया है, इनपे 39 मिलियन अबाउट यूएस डॉलर्स का फाइन लगाया गया बिकॉज 11 इन चाइनीज इंजीनियर्स की डेथ हुई थी उसके चलते। तो बहुत ज्यादा प्रेशर में भी है पाकिस्तान अभी, तो ये भी हो सकता है, इट्स जस्ट अ पॉसिबल सिनेरियो, बिकॉज पाकिस्तान को पता है कि ये जो पीओके है यहां पे भी जब से एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है, 35A हटाया गया है, तब से घाटी में भी अब इंडिया बहुत ही स्ट्रांगली अपने पैर जमाते चला जा रहा है, और ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है जिसकी वजह से धीरे धीरे एक एक करके आतंकवादियों को वहां से रिमूव किया, मतलब टोटली खत्म किया जा रहा है इंडियन आर्मी द्वारा। तो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो पकड़ पहले थी 90 के दशक में थी वो पाकिस्तान की अब ढीली पड़ती जा रही है। तो ये पॉसिबल सिनेरियो है कि आगे चल के हो सकता है कि ये इस रीजन को भी, एटलीस्ट इस गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन को भी सीसीड कर दे चाइना को, और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए फिर ये मुश्किल बहुत बड़ी बन के निकल के सामने आएगी। सो चाइना की नजर वहां पे भी है, इफ वी एक पॉसिबल सिनेरियो ऐसा बनता है, बिकॉज चाइना हमेशा डेट देता है और चाइना की ये डेट ट्रैप पॉलिसी है जिसको वो हमेशा फॉलो करता है। एंड शी जिनपिंग के अगर आप पिछले कुछ महीनों के अगर आप उनके बयान देखें, उनके जो प्रेसिडेंट है चाइना के शी जिनपिंग, और उनके बयान देखें, उनके स्पीचेस देखें, तो वहां पे उन्होंने क्लियर कट कहा है कि वॉट एवर इट टेक्स चाइना हैज टू बी द नंबर वन इकॉनमी इन द वर्ल्ड, नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड इन एनी टर्म्स। चाइना की सुप्रीमेसी को आगे लाने के लिए He'll do and the Chinese people do will whatever it takes, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग अभी इन्होंने अपना एक नया बॉर्डर लॉ भी पारित किया है जिसमें
जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला है। और ये जो लॉ है ये सीधा सीधा ये कहता है, लैंड बॉर्डर लॉ, ये कहता है कि जो चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी है, जो चाइनीज पीएलए है, उस पीएलए को और ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं कि कोई भी इन्वेजन, किसी भी प्रकार का इन्वेजन, एनक्रोचमेंट, इनफिल्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का चाइनीज बॉर्डर्स में, या प्रोवोकेशन कोई भी रहा, तो फिर उसके लिए जो चाइनीज आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, उनको किसी भी एक्सटेंट पर तक जाने की छूट दी गई है। सो ये चाइना का नया बॉर्डर लॉ है। और इनफैक्ट इंडिया के साथ ही नहीं, इनके जो टेंशंस हैं ये इन टोटल 14 कंट्रीज के साथ है। इनकी जो बॉर्डर टेंशंस है ये 14 स्टेट नेशंस के साथ में है, जिसको ये लोग अभी देखते हैं। तो उन 14 के 14 कंट्रीज के अगेंस्ट रूथलेस एक्शन लेने तक को भी ये लैंड बॉर्डर लॉ कहता है, चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी को। तो जो इंडिया और चाइना के मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जरा उसको समझ लें। देखिए, मेजरली मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन है, हम लोग इस लाइन को क्लेम करते हैं और चाइनीज इस लाइन को क्लेम करते हैं, ठीक है। इधर छोटे मोटे क्लैशेस होते रहते हैं। उसके अलावा जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे स्पेशली, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि काला पानी को लेके और लिम्पिया धुरा को लेके, लिपुलेख पास को लेके चाइना कैसे नेपाल को बार 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 उकसाता रहता है। और नेपाल भी अब काफी ज्यादा वोकल हो गया है, और उसने तो अभी नेपाली जो गवर्नमेंट थी पिछली, वो केपी ओली गवर्नमेंट, उन्होंने इन रीजन्स को जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं हमारे उत्तराखंड के, काला पानी, लिपुलेख, लिपिया धुरा, तो इन सबको इंक्लूड कर लिया अपने मैप में, अभी ऑफिशियल जो मैप रिलीज हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। तो ये हो गया वेस्टर्न सेक्टर, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन है, और ये वाला है ईस्टर्न सेक्टर, और ये वाला है मिडिल सेक्टर। तो मिडिल सेक्टर में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, ईस्टर्न सेक्टर में भी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो वेस्टर्न सेक्टर में। एंड इंडिया धीरे 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 वहां पे अब अपनी प्रेजेंस भी बढ़ाता चला जा रहा है, जैसे चाइना बढ़ा रहा है। तो मिरर डिप्लॉयमेंट टेक्निक से हम लोग चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, और चाइना की सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही नहीं, पूरे के पूरे दुनिया से, दुनिया में 14 कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। और मतलब चाइना जो है वो अपनी सुप्रीमेसी को एग्जर्ट करने के लिए, अपनी बुलिंग पावर को दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को रेडी है, राइट। आप यहाँ पे देखिए, जैसे चाइना का यहाँ पे आपको दिख सकता है बॉर्डर डिस्प्यूट, है ना, बर्मा के साथ में, वियतनाम के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट दिख सकता है, फिलीपींस, मलेशिया, ये माइक्रोनेशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ दिख सकता है। ये देखिए, ये क्लेम करती है चाइना की ये पूरा का पूरा जो ओशियनिक रीजन है, टेरिटरी है, वो चाइना की है, जबकि ब्रुनेई इसको क्लेम करता है, इस ग्रीन वाली लाइन को जो इसके साथ में सारे के सारे इंटरसेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं, बिकॉज ये जो माइक्रोनेशियन कंट्रीज हैं, इनकी इतनी ज्यादा होप नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी, ये बेसिकली आसियान कंट्रीज हैं, और ये जो आसियान कंट्रीज हैं इनके पास में बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर नहीं है चाइना को काउंटर करने के लिए, ना सॉफ्ट पावर है, ना हार्ड पावर है, ना सॉफ्ट पावर है। तो इसीलिए दे लुक अप टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इकलौता एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इंडियन ओशियन रीजन में चाइना को बैलेंस करने के लिए सक्षम है, अदरवाइज और किसी के पास नहीं है। इफ इवन चाइना फियर्स इंडिया, दैट इज वाई ये अब सिविल सोसाइटी वॉरफेयर पे भी उतारू हो चुका है। हमारे सिविल सोसाइटी में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कई सोर्सेज हैं, ऐसे कई स्टडीज भी हैं ऐसी जो पब्लिश हुई हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनके रेफरेंस से मैं बोल रहा हूं खुद, कि चाइनीज फंडिंग इज देयर, और वो फंडिंग लेके दे आर इंस्टिगेटिंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार इंस्टिगेट करते हैं और इंडिया में डिस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। और यही चीज पाकिस्तान द्वारा भी करवाया जाता है चाइना से। और इनफैक्ट पाकिस्तान जो है वो एक सैटेलाइट है, चाइना का सैटेलाइट है वो, क्योंकि वो खुद एक फेल्ड नेशन है, बट इट एक्ट्स लाइक ए सैटेलाइट ऑफ चाइना।
और चाइना ने तो ये मेंशन भी किया है कि ऑल वेदर, या हम यूं गए एवरग्रीन एलाई पाकिस्तान है चाइना का। इवन रशिया को वो सर्कमस्टेंशियल एलाई मानता है ना, वो ऑल वेदर एलाई नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ वो किसको मानता है, पाकिस्तान को। दैट इज व्हाई पाकिस्तान को डेंजरस बनाया है चाइना ने। एंड इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो हमारे रक्षा मंत्री थे करीब 25 साल पहले, 27 साल पहले, उन्होंने ये कहा था। उस समय कारगिल वॉर फेयर भी, कारगिल वॉर भी चल रही थी एंड काफी पाकिस्तान का थ्रेट था। तो उन्होंने कहा था कि द रियल थ्रेट इज चाइना, नॉट पाकिस्तान। एंड लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था, बट आज हम सभी इस बात को जानते हैं कि व्हाट द थिंग इज। एंड इनफैक्ट इंडिया ने कई जगहों पे गलती भी की है। जब तिब्बत को एनेक्स किया गया, जब तिब्बत रीजन को एनेक्स किया गया चाइना द्वारा, तो उस समय हमें इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं थी। इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय सबसे बड़ी जो गलती की वो ये की कि आइडेंटिफाई कर दिया कि ठीक है, तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। एंड हम लोग, पता नहीं क्यों मुझे ये समझ में नहीं आता कि व्हाई आर वी नॉट सो वोकल, लाइक वी हैव टू स्टैंड विद ताइवान, क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। आप समझिए कि डेमोक्रेसी की पावर क्या है। चाइना ऑटोक्रेसी है, इंडिया डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की पावर यह है कि ताइवान के नेशनल डे पे जिस वक्त इंडियंस ने, अबाउट 35,000 इंडियंस ने ट्वीट किए एंड सोशल मीडिया पे पोस्ट किए ताइवान डे को सेलिब्रेट करते हुए, ताइवान को कंग्रेचुलेट करते हुए, ताइवान को मतलब काफी ज्यादा सराहना करते हुए ये बातें कही थी, तो चाइना उस पर भड़क गया था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं कर सकती, लेकिन अगर लोग करते हैं तो फिर इससे बहुत ज्यादा उनको भी बल मिलेगा, है ना, और चाइना को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मैसेज भी जाएगा। और ऐसा ही हम पाकिस्तान के केस में, जो रीजन है बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के लोगों आप देखें तो वहां पे भी काफी ज्यादा रिबेलियन चलता है, तो उसको भी सपोर्ट करके हम लोग अपना पावर दिखा सकते हैं। हांगकांग के सपोर्ट में भी हम लोग अपना अपना सपोर्ट दिखा के ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यस, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ हांगकांग, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ ताइवान, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। तो उससे क्या होता है ना, जब एक कंसर्न को वॉइस मिलती है तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं उसे जरूर सुना जाता है, उठाया जाता है। तो उससे जब चाइना डिस्टेबिलाईज होगा तो इंडिया की तरफ रुख उसका कम हो जाएगा, क्योंकि जब खुद के घर में आग लगी हो तो पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है उससे ज्यादा मतलब नहीं रहता। तो ये करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इंडिया को जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें बहुत ज्यादा लीड लेनी पड़ेगी, अपफ्रंट आना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चाइना का के साथ में अगर हम लोग ट्रेड डेफिसिट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डेफिसिट की, तो ये 44.02 बिलियन US डॉलर था इस साल 2021 में, 2020 से 2021 में, अक्टूबर तक का ये डेटा बता रहा हूं मैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा है ना। और इसके अलावा अगर हम लोग अक्टूबर 2021 की बात करें तो अक्टूबर 2021 तक ये 47 बिलियन US डॉलर पहुंच चुका था। 47 बिलियन US डॉलर अपने आप में एक वॉपिंग अमाउंट है, और ये ट्रेड डेफिसिट है। डेफिसिट का मतलब है हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट करते हैं उसके बीच का डिफरेंस, और ये पॉजिटिव डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं चाइना से। अब चाइना से कौन कौन सी चीजों का इंपोर्ट होता है, चाइना से देखिए जो मेजर इंपोर्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, है ना। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स हैं, है ना, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये फार्मास्यूटिकल्स के, उनमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का हमें एक क्या कहते हैं उसे, सब्स्टिट्यूट देखना होगा। बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू हर्ट, चाइनीज आर बिजनेसमैन पीपल, इफ वी आर गोइंग टू हर्ट देम इन दैट फ्रंट, कहीं ना कहीं वो हमको एक टेक्टिकल एडवांटेज भी देने देने वाला है। तो मैं ये नहीं कहता कि वॉट यू हैव परचेज द चाइनीज थिंग्स उसको डिस्कार्ड कीजिए, नहीं, बिकॉज उसका तो पैसा दे दिया आपने, अब आप उसको यूज कीजिए जितना कर सकते, लेकिन गो फॉर इंडियन थिंग्स, जितना हो सके आप इंडियन चीजों को अपनाइए, वो आप अपने एंड पे कर ही सकते हैं, है ना। तो
ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में देखिए खबर किस तरीके से होती है और चाइना कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के फ्रंट पे जीत रहा है। तो बीजिंग में अभी एक अनाउंसमेंट हुई थी कि लोग बाग अपने अपने खाने की इमरजेंसी नीड्स के स्टॉक्स को भर लें, और क्योंकि शॉर्टेज होने वाली है बिकॉज कोविड 19 की एक नई लहर वहां पे चल पड़ी थी, है ना। तो लोगों ने इसको कहा कि ये बहाना लेके ताइवान को कैप्चर करना चाहते हैं, भगदड़ मच गई थी। और आप सोचिए यहाँ पे अंबानी ने, रिलायंस ग्रुप ने एक यूके की, इंग्लैंड की कंपनी को एक्वायर किया था, और लोगों के कयास लगने लग गए कि बिकॉज इंडिया चाइना का वॉर हो सकता है। यहाँ पे लोग ये सोचने लगे कि बीजिंग में अनाउंसमेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि इंडिया चाइना वॉर होने वाला है, दैट इज वाई अंबानी इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तो ये इस हद तक का वहां का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, एंड इसमें इंडिया पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पीछे हो रहा है। इंडिया को उसमें लीड लेनी पड़ेगी, इंडिया को उसमें आगे आना पड़ेगा, राइट। और चाइना की जो स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान को एकदम आम पाकिस्तानी आर्मी को आप हथियार दे दीजिए एंड यू आर्म इट टू इट्स टीथ, उस स्ट्रेटजी को खत्म करना होगा। ताकि किस तरीके से साउथ एशिया में अपने आप को बहुत बड़े एक अच्छी खासी पावर के रूप में उभार करके, ठीक है। क्योंकि चाइना बार बार ये करता है और बार बार इंटरनेशनल फोरम्स पे ये कश्मीर इशू को लेके आता है जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं, राइट। तो ये थ्री लेवल की वॉर फ्रंट है जिसमें चाइनीज सपोर्टेड जो मीडिया है इनका, ग्लोबल टाइम्स है जैसे कि, है ना, तो ये चाइनीज मीडिया है, ये बार बार यही कहता है, इंडिया को वॉर्न करता है और इंडिया को कहता है कि बहुत ही ज्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी अगर ऐसा हुआ तो। और अगर चाइना ने अगर इंडिया ने वेस्टर्न ब्लॉक्स को, वेस्टर्न पावर्स को ज्वाइन किया तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। बार बार ये धमकी मिलती रहती है। दूसरा जो वॉरफेयर है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है। इससे होता क्या है कि लोगों के मनों में एक साइकोलॉजिकल डर पैदा किया जाता है, तो इसमें चाइनीज बहुत माहिर है, है ना। तो ये माओ पॉलिसी भी है कि जहां आप स्ट्रांग है वहां वीक दिखाइए, जहां वीक है वहां पे आप स्ट्रांग दिखाइए। तो ये पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर हुआ। तीसरा है लीगल वॉरफेयर। लीगल वॉरफेयर कैसे, जो न्यू बॉर्डर लॉ था वो एक लीगल वॉरफेयर ही है जिसमें अपने लॉज को इतने स्ट्रेंथन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये आगे आने वाले जितने भी होने वाले स्कर्मिशेस हैं बॉर्डर के अलोंग उसको काउंटर कर सके। तो ये बहुत बड़ा एग्रेशन है, थ्री लेवल वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल हुआ और पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर हुआ और लीगल वॉरफेयर हुआ। तो ये सारे के सारे हैं। इसको इंडिया कैसे बैलेंस आउट कर सकता है, सबसे पहले तो आप डीकपल कीजिए फ्रेंड। मुझे समझ में नहीं आता कि कोरोना वायरस पेंडेमिक में हम लोगों ने जब वुहान वायरस या चाइनीज वायरस की बात चली तो इसको क्यों नहीं उठाया, हम लोगों ने क्यों नहीं बार बार कहा कि यस इट इज अ चाइनीज वायरस, इट इज अ वुहान वायरस एंड इट वाज लीक्ड फ्रॉम द वुहान लैब। तो ये भले ही उस समय तक रिपोर्ट्स साझा नहीं हुई थी लेकिन ये करना चाहिए था बिकॉज इट इज एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, राइट। इफ चाइना इज डूइंग दैट वी हैव टू डू इट सो, राइट। और कहीं ना कहीं चाइना इसमें साइड तो हुआ, कोविड में उसकी जो ट्रस्ट फैक्टर है वो और कम हुआ, स्टैंप डाउन हुआ और इंडिया ने मेडिसिन वगैरह सप्लाई करके हेल्प पहुंचा के काफी ट्रस्ट जीता था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज सामने आई। और उसके दौरान जो गवर्नमेंट है उसने नॉन एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट बनाई और उसको चाइना से इंपोर्ट ना करने का फैसला लिया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सेल्फ रिलायंस की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ इंडिया जा रहा है जिसमें पीएलआई स्कीम्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में मेक इन इंडिया प्लान्स के लिए लॉज को रिफॉर्म किया गया, काफी ज्यादा टैक्स रेट्स को स्लैश किया गया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और अब क्या हो रहा है, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर्स, ये लोग जा के जो आउटरीच है इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में और इधर आपके अक्साई चिन रीजन के पास में, लद्दाख रीजन में, यहाँ पे जाके बार बार इंडिया आउटरीच कर रहा है और यहाँ पे लोगों से मिल रहा है, लोगों में अपना विश्वास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
और उसके बाद में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, लेटेस्ट वेपनरी में हम लोगों को जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाइना ने हाइपरसोनिक सीक्रेट टेस्टिंग किया, डीआरडीओ ने भी एक टेस्ट किया था और डीआरडीओ ने भी हाइपरसोनिक टेस्ट किया था। इसमें जो ये टेस्ट था उसके अंदर डीआरडीओ ने जो किया था सितंबर 2020 में, उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। सो चाइना से पीछे नहीं है। मिलिट्राइजेशन को भी हमें पावर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। चाइना का डिफेंस बजट लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर है, इंडिया का अबाउट 68 बिलियन यूएस डॉलर है, तो इसको एटलीस्ट 150-140 तक तो लेके चलना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि इनमें से मेजर पोर्शन तो सैलरी देने में ही चला जाता है। तो एक्टिव न्यूएस्ट टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर को अपनाना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन आर्मी का मोरल बहुत स्ट्रांग है, इंडियन आर्म फोर्सेस का मोरल बहुत स्ट्रांग है विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से अगर हम सप्लीमेंट करेंगे तो और ज्यादा बन जाएगा, और हम लगभग 120-150 के बिलियन डॉलर के बजट में भी उनको अच्छे से टक्कर देने की स्थिति में आ जाएंगे। उसके अलावा ट्रेड डेफिसिट को कम करना पड़ेगा, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, इन सब में और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उन सब का इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, और इसका अल्टरनेटिव इंडिया को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, अभी मैंने जो ये रीजन्स बताए, यहां पे कई दफे ये भी देखा गया है कि इन आइलैंड्स पे चाइनीज लोग जा जाके स्टोन पेल्टिंग करते हैं, बिकॉज दे थिंक, उनके मन में ये है कि जो चाइना है वो बहुत ही ज्यादा सेक्रेट रीजन है और हमारी धरती इतनी ज्यादा पवित्र है, इतनी ज्यादा सेक्रेट है कि इस पे कोई बाहर का व्यक्ति कदम भी रखे, इलीगली ऑक्यूपाई करे, भले ही वो एक सेकंड के लिए, लेकिन वो बहुत 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 ज्यादा गलत है, एंड दे आर रेडी टू गिव देयर लाइव्स एज वेल। तो उस तरीके का स्टांस हम इंडियंस को भी अपनाना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन योर नेशन इज सेफ योर किड्स आर सेफ, एंड व्हेन योर किड्स आर सेफ देन द प्रोग्रेस विल हैपन ऑटोमेटिकली। अगर कल को वॉर छिड़ जाती है और इंडिया उस वॉर को लड़ता है तो वॉर इज अ वेरी 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 एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए। चाइना ये समझता है, इसीलिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो खेल रहा है हमारे साथ, और हमें भी उस इंफॉर्मेशन वॉर में आगे आना पड़ेगा। सो दिस इज द वॉर विच इज हियर। आई आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया हो, एंड इसमें मैंने काफी सारी चीजें और पॉसिबिलिटीज बताने की कोशिश की, हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड दिल खोल के इसे शेयर करें ताकि हर एक भारतीय तक ये बात पहुंच सके। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।